हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन कौन सा है? हाँ, आज है दिन मंडे। टाइम होने जा रहा है सुबह के 10 बजने जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऑफिस जा चुके हैं और कल हम लोग घूमने चले गए, पता है। तो उसके बाद जो मैंने मूंग की दाल गलाई थी ना मंगौड़े बनाने के लिए, वो ज्यों की त्यों रखी रह गई है, फ्रिज में रखी है। और फिर इनको जल्दी निकलना था, 9 बजे ही निकल गई है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी दलिया बना दी थी। सुबह सुबह मंगौड़े नहीं बनाए क्योंकि इनको मंगौड़े ज्यादा पसंद भी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं 2-4, लेकिन इनको प्रॉपर नाश्ता चाहिए होता है। तो दलिया बनाई थी नमकीन वाली, मम्मी नहा चुकी है, मम्मी का नाश्ता हो रहा है। आयान अपना छोड़ के चले गए हैं, इनको थोड़ा सा खिलाया फिर भाग गए क्योंकि इसको जुखाम और बुखार हो रहा था रात में थोड़ा थोड़ा सा। तो इसको मैंने दवाई भी ला के दी थी, इसको बहुत जल्दी जल्दी जुखाम हो जाती है। उसके बाद अभी मैं बाहर से लेके आई हूँ पालक मंगौड़े के लिए, क्योंकि बिना पालक के तो मंगौड़े बनते नहीं है। और उसके बाद ये मुझे भुट्टे लग गए थे तो मैंने ये भी ले लिए, 20 रुपए के 3 मिल रहे थे। देखिए छोटे छोटे हैं लेकिन ले आई, अच्छे दिख रहे थे, ताजे ताजे। ये देखिए भुट्टे ले आई। लेट रात में भी गए थे। तो नंदनी जा रही है अपने लिए, थोड़ा सा इडली का बैटर बचा हुआ रखा था, थोड़ा सा बच गया था, तो वही तवे पे उपमा टाइप का, उसका मतलब पराठा टाइप का ऐसी तवे में बना लेगी, क्योंकि दलिया तो बना था लेकिन दलिया सबको इतना पसंद नहीं आता है, तो वो यूज़ में भी आ जाएगा। और मैं ये देख रही थी कि ये जो भुट्टे हैं ना एकदम नरम है, मुझे लग रहा था ये छोटे वाले देसी होंगे। नानी को, नंदनी को जब बंद कराया था तब मुझसे जाके कह रहा है नानी को हेल्प चाहिए, वो बालकनी में बंद हो गई है। वो जानबूझ के गेट में आता था, ऐसे हाथ आके चला जाता, पापा से नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे इसको बंद करेंगे। मुझसे कह रहा था नानी फंस गई है, उनको हेल्प चाहिए। नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे। कितनी दूरी डाल रहे खेलते खेलते, ऐसे पता नहीं क्या हुआ, देख के सब एकदम घबरा गए, सबके हाथ पैर फूल गए, वो गमला गिरा के भाग गया। तोड़ देंगे सॉरी दीदी, सर हम नहीं करेंगे ऐसा, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों आया ये जी खपारा, ये तो पहले से लगे हुए हैं। सॉरी दीदी, क्या सॉरी दीदी, सॉरी दीदी, अभी तुम्हारे पैर के ऊपर गिर जाता फिर हम सॉरी बोलते चलता, टूट जाता। इतनी इतनी मस्ती, इतना ओवर एक्साइटमेंट क्यों? ये क्या है? ये पैसा कहीं के लिए? ये अपने पैसे अपने पास ही ले जाओ। बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत मुश्किल से ये कहो गिरा के भाग गया था कि अगर खड़ा होता तो इसको बहुत चोट लग जाती। बहुत मुश्किल से मैंने ये सेट किए थे गमले, वरना ये दीवार में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी बालकनी के, तो ईट ईट लगा के पूरा बराबर किया था, ऐसा सेट कर दिया था कि हिलता भी नहीं। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, सुबह का सारा काम निपट गया था, किचन विचन भी साफ़ हो गई थी, तो मैंने सोचा ये पालक मैं साथ ही में साफ़ कर दूँ, इसकी जड़ें काट के बीन के साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि ये जो जड़ों वाली पालक आती है इसमें बहुत मिट्टी होती है, बहुत किसकिसी रहती है पालक, तो कई बार धोनी भी होती है इसे, तो इसलिए अभी मैंने पूरी साफ़ करके गंदी गंदी पत्तियाँ इसकी निकाल दी हैं, क्योंकि जड़ वाली पालक जितनी गंदी होती है ना, एक पत्ती पत्ती वाली आती है, हमारे तरफ पत्ती पत्ती वाले बेचने आते हैं ना जो डलिया में भर के, वो गंदी नहीं रहती है इतनी, किसकिसी नहीं रहती। लेकिन कभी कभी ये क्या है कि कोई चीज़ की अगर सायत नहीं आती ना तो वो चीज़ हो नहीं पाती है, क्योंकि कल भी मूंग दाल धरी की धरी रह गई, आज भी रख दी, मैंने नहीं बनाई, साफ वाफ करके चली आई थी, क्योंकि डॉक्टर पता करने के लिए बोला था इनसे, तो इन्होंने डॉक्टर पता किया था, मम्मी को घुटनों में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, रात में तो सोई नहीं थी, दर्द की दवा खा खा के थोड़ी देर इनको रिलैक्स मिल जाता है, तो आज फिर डॉक्टर के यहाँ लेके आए, नहीं बनाया फिर वो सब। लेकिन हड्डियों का दर्द बताया था तो इन्होंने हड्डी वाले ही डॉक्टर पता किए थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं गई ना
तो मैंने बताया उनसे कि सब कुछ ऐसे ऐसे इनको पूरी बॉडी में पेन होता है, लेकिन वो क्या है हड्डियों के सर्जन थे वो डॉक्टर, बहुत अच्छे काफ़ी बड़े डॉक्टर यहाँ के। तो ये कह रहे थे कि अपने घुटनों का एक्सरा करवा लो, उसके बाद पता करेंगे घुटनों में क्या दिक्कत है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी इनको जो गठिया की चीज़ें देखते हैं उनको दिखाना था, इसलिए फिर हम वहाँ पर एक्सरा नहीं कराया, दिखा विखा के लौट आए। और ये अगले दिन का वीडियो है, पूरी दाल ठंडी हो चुकी है तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, इसके अलावा करी डालते हैं। कल कुछ नहीं किया, वहाँ से आए समझ में नहीं आया, मूड ऑफ सा था, फिर क्या है कि कुछ बनाई नहीं वीडियो वीडियो। फिर उसके बाद फिर ये मैंने कहा चलो इसका दो दिन से पानी बदल रहा है, ये कहो फ्रिज में रखी थी तो इसमें स्मेल नहीं आई है, क्योंकि फ्रिज में तो ठीक बनी रहती है, पानी भर बदल दिया था। और इसके ऊपर ऊपर की जितने भी इसके ऊपर ऊपर के छिलके थे, एक दो बार पानी बदला है ना तो वो वैसे ही निकल गए थे, तो ज़्यादा साफ़ नहीं करनी पड़ी है दाल। और बस साफ करके इसका पानी छान के अच्छे से मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है दो बार में, तो ये देखिए अच्छे से दाल पिस गई है। इसका पानी अच्छे से निकाल लेना है वरना गीली हो जाएगी दाल। और ये पालक भी जब लाई थी एकदम ताज़ी ताज़ी थी, ये भी थोड़ी सी मुरझाई सी हो गई है, तो इसमें से मैं अच्छी अच्छी काट ले रही हूँ। और इसमें बड़ी बड़ी पालक काट के डालते हैं, इसलिए मैं बड़ी बड़ी डालती हूँ, क्योंकि ये सिकने के बाद एकदम क्रंची क्रंची से लगते हैं ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, प्याज, हरी मिर्च ले लिया, इसको भी थोड़ा सा ऐसी बड़ा बड़ा सा ही काट लेंगे प्याज। और उसके बाद सारी चीज़ों को काट के इकट्ठा कर लिया है मैंने, और इसमें धनिया डाल दिया है, इसमें हरा वाला जो लहसुन होता है वो भी डाल सकते हैं, हरी प्याज होती है जो प्याज की डंडी और पत्तियां होती हैं वो भी काट के डाल देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। संक्रांत के टाइम पे ये रेसिपी बहुत बनती है, मकर संक्रांत के टाइम पे ये बहुत बनाई जाती है, उस टाइम पे हरी वाली प्याज आती भी है, वैसे तो कभी भी बना सकते हैं जब पालक आ रही हो ताज़ी ताज़ी। और उसके बाद मैंने ये सारी सब्जियों के ऊपर ये दाल डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और पिसी हुई थोड़ी सी हींग डाल दी है ऊपर से, क्योंकि हींग ठीक रहती है इन रेसिपियों में। और उसके बाद ज़रा सी कलर के लिए हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है, लास्ट में नमक डाल दिया है, और सबको अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। हरी मिर्ची नहीं डाली है मैं, थोड़ी 3-4 सेक दूंगी अयान के लिए पहले अगर खाएगा तो, उसके बाद हरी मिर्च वाले सेकूंगी। और यहाँ पर तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, और ये सरसों के तेल में ही बनते हैं, सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। और सच में मैंने बहुत दिन से नहीं खाया था, पिछले साल खाया होगा तब से मैं इस बार बना रही हूँ, तो मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ें कभी कभी बना लो तो बस यहाँ पर मैं सेकती जा रही हूँ। थोड़ी बड़े बड़े से थे पहली बार के, और बाद के मैंने थोड़े छोटे छोटे से डाले हैं। और यहाँ पर नंदनी चटनी बना ले रही है, हरी धनिया और टमाटर वाली, क्योंकि हरी धनिया टमाटर की चटनी में ही अच्छे लगते हैं, सॉस वगैरह में इतने अच्छे नहीं लगते। ये देखिए नंदनी की ये हरी धनिया वाली चटनी, आप लोग कह रहे थे दी जब बनाइएगा ये मूंग दाल के मंगौड़े तो शेयर करिएगा, तो ये देखिए यमी यमी। मम्मी कह रही थी 2 ही 3 लाना, ज़्यादा मत देना नुकसान करेंगे उन्हें, तो मैंने 3-4 ही दिए थे उन्हें खाने को, बहुत टेस्टी उन्हें। ये क्या कर रहे हो? मोनेस्टर बन गए, मोनेस्टर धुली हुई है, खराब नहीं करो, मोनेस्टर बन गए। इसमें मनी प्लांट डालेंगे बेटा, मनी प्लांट सूख रहा है ना, उसको बॉटल में डालेंगे। याम किधर है? याम कुकुम्बर बता, कुकुम्बर कहाँ है? और ये इसको पढ़ा रहे थे ना, इसलिए काम ढूंढ रहा था कि लाओ आके हम काम करवा लें, तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं ये बॉटल भर के पानी की। और आज भी बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं वाइजैग में, जो ये मतलब जोड़ों के दर्द वगैरह देखते हैं, मतलब हड्डियों वाले नहीं, जो जोड़ों का दर्द देखते हैं मेन, वो वाले, वो पता करके वहाँ जाना है, क्योंकि मम्मी ने अपनी दवाई भी खत्म कर मतलब बंद कर दी आयुर्वेदिक वाली। पता नहीं क्या हो गया, मतलब ये लगा ही नहीं, आप लोग कह रहे थे ना डायरेक्ट आप गमले में मिट्टी में मत लगाइए, इसे पहले बॉटल में डाल दो पानी में, तो फिर जब जड़ निकल आए उसके बाद गमले में लगाए, तो इसमें जब मैं लेके आई थी ना तो इसमें छोटी छोटी सी जड़ निकली हुई थी, इतनी इतनी सी जड़ निकली थी, तो मुझे लग रहा था कि मिट्टी में जाके ये लग जाएंगी, लेकिन लगी नहीं है, कुछ ऐसा ही मुरझाया सा है, सुस्त सा हो रहा है, ये देखिए पौधा थोड़ा सा सुस्त है, एक्टिव नहीं है, उस दिन से ऐसे ही है, ना तो ये सूखा है और ना ही लगा है।
तो यहाँ पर ये मनी प्लांट निकाल के इसकी जड़ को मैंने अच्छे से पानी से धो दिया है, सारी मिट्टी को, और नीचे नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो निकाल दी हैं। उसके बाद में ये बॉटल में अच्छे से डुबा के रख दूंगी। ये देखिए यहीं पे आपके पौधे बड़े हो जाएंगे बेटा। बस बहुत है, अब नहीं डालना उसमें, है पहले से, उसमें है पहले से, अब नहीं डालना उसमें। हमारी मदद नहीं करो। और अभी मैं जा रही हूँ इसको दवाई देने के लिए, आयान को। इसको वही वाली दिक्कत, जैसे ही मौसम बदला ना वैसे ही इसको कफ वाली दिक्कत हो गई है। तो बस अभी मैं इसको पीस के गोली दे रही हूँ, क्योंकि ये जो बॉटल वाली है ज़्यादा बहुत महकती है तो उतना नहीं लेता है, इसलिए पीस के देने वाली दे रही हूँ। एक सिरप भी है, पीस के भी देना है, तो दोनों मैंने अभी घोल के बड़ी मुश्किल से दिए जाके। और आज चंद्र ग्रहण भी है तो जल्दी सब खाना पीना हो गया था, इसलिए किचन विचन सब साफ पड़ी है। 2:20 से शुरू होने थे ना, उसके बाद किसी ने कुछ खाया पिया नहीं और ऐसे ही पड़ा है। सब्जी धो के रखी थी तो मैंने कहा इनको मैं उठा के सबको रख दे रही हूँ, यहाँ पर खाली कर दूँ। सब्जी सूख गई है और अभी तक मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। मैं एक बार मार्केट गई थी तो डी मार्ट से काफ़ी सारी चीज़ें ले आई थी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाई। सोचती रहती हूँ कर लूँगी लेकिन नहीं हो पाया। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजने जा रहे हैं और आज चंद्र ग्रहण है जो कि 6:30 बजे तक रहेंगे, 6:20 या 6:25 तक कुछ ऐसा ही। तो मम्मी को आज मुझे फिर से डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि ग्रहण का टाइम निकल जाए, मतलब 6:30 बज जाए, उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पर मैंने पहले से ही शाम की व्यवस्था करके रख ली क्योंकि लौट के आने में हो जाएगा लेट। तो यहाँ पे अभी मैंने सब्जी लगाई थी फ्रिज में, तो यहाँ करेले निकाल के रख दिए, करेले बना लेंगे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, ये भी बाहर निकाल के रख दिए हैं फ्रिज से। मैं सोच रही हूँ इनको भून दूंगी अगर सब लोग खाएंगे तो, क्योंकि फिर रखे सूखे से हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। और जा रही हूँ इन करेलों को काट लेती हूँ। और वैसे ना ग्रहण के टाइम पे मतलब करेले वगैरह काटते नहीं है, मतलब ऐसे तो काट लेते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं काटते, वैसे तो काट लिए जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर काट के नमक लगा के रख जाऊँगी तो आधा काम निपट जाएगा लौट के आने में, क्योंकि काफ़ी लेट भी। भरमा नहीं बनाने हैं मुझे, ऐसे छील के इनको काट के पतला पतला नमक लगा के रख दूंगी, क्योंकि भरमा लायक है ही नहीं, उनमें कहाँ भरेंगे, छोटे छोटे से पतले से तो करेले हैं। तो बस ऐसे ये जल्दी बन भी जाते हैं सिंपल बनाने में, तो बस निपटा के निकलते हैं। और यहीं पर वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी गुरु नानक जयंती और हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा।